हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 6। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में स्टडी किया था, तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में अपन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में करने वाले हैं, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो पहले अपन स्टडी करेंगे किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियन होगा। ठीक है, जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन अपन को याद करनी है वो ये है, जो अपनी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो जनरली विजिबल नहीं होते माइक्रोस्कोप के नीचे, जब तक इन्हें स्टैन नहीं किया जाता। स्टैन करने के बाद इन्हें अच्छे से देख सकते हैं अपन। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं बताता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया को स्टैन करने के लिए अपन जेनस ग्रीन डाई का इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन आप याद रख सकते हैं, जेनस ग्रीन डाई का इस्तेमाल करके अपन पहले स्टैन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को और फिर अपन उसे क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसा कि आप लोग शायद जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो सेल में मेजरली क्या करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से इनके नंबर अलग अलग सेल में अलग अलग होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर वेरिएबल होते हैं, फिक्स नहीं होता कि भाई एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा या कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, और ये चीज डिपेंड करेगी कि उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है। जनरली कुछ पॉइंट मैं बताता हूं, जैसे एनिमल सेल और प्लांट सेल को कंपेयर किया जाए तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं प्लांट सेल के कंपेयर में। अगर एनिमल सेल में भी बात की जाए तो सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं कहां पर, मसल सेल में, क्योंकि मसल्स को काफी एनर्जी चाहिए होती है, और बर्ड की जो फ्लाइट मसल्स होती है उसमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखें कि नंबर फिक्स नहीं होते, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होते हैं, बर्ड की फ्लाइट मसल्स में होते हैं, और एनिमल और प्लांट सेल्स में देखा जाए तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। आगे इट्स ऑल्सो वेरिएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ साइज एंड शेप। मतलब अपनी बुक में तीन चीजें माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड दे रखी है जो वेरी करती है, वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं होती। ना तो उनका नंबर फिक्स होता है एक पर्टिकुलर सेल में, ना उसकी साइज फिक्स होती है, ना उसका शेप फिक्स होता है। लेकिन फिर भी एक टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एक टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल या सॉसेज शेप होता है। सॉसेज मतलब अपन एक ऐसे पाइप लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ठीक है, तो इस ये तो शेप हुआ, और मतलब इसकी जो साइज होगी उसके बारे में दो रीडिंग दे रखी है। एक डायमीटर दे रखा है 0.221 माइक्रोमीटर, एवरेज दे रखा है 0.5 माइक्रोमीटर, लेंथ दे रखी है 1.02-4.1 माइक्रोमीटर। लेकिन ये मतलब ऐसे कॉमनली कह सकते हैं, लेकिन हर माइटोकॉन्ड्रिया इसी साइज का इसी शेप का हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड तीन चीजें वेरी करती है, नंबर, साइज और शेप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म एटीपी एंड प्रोवाइड एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो जनरली क्या फंक्शन करते हैं, एटीपी बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, इसको अभी अपन डिटेल में देखेंगे। प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो किसमें होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। क्यों, अभी अपन आगे स्टडी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और प्रोकैरियोटिक सेल में तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते नहीं है। तो यूकैरियोटिक सेल में एनर्जी प्रोडक्शन करने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं हो सकते, तो फिर उनमें कौन करता है। तो ये भी अपन स्टडी कर चुके हैं मोनेरा वाले टॉपिक में, कि प्रोकैरियोट के पास क्या होते हैं, मीजोसोम, जो वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो यूकैरियोटिक सेल में कौन परफॉर्म करता है, माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है। कोई तकलीफ नहीं आता। अगला लेते हैं अपन स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो ये जो डायग्राम है और इसके स्ट्रक्चर जो यहां पे लिखे हुए हैं, वैसे तो इन स्ट्रक्चर के नीचे ही थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन आप सिर्फ स्ट्रक्चर के नाम नाम लिखे, इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आगे की स्लाइड में लगा दूंगा, आप वहां से अच्छे से नोट कर लेना। तो एक एक करके देखते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो है, साथ में डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है और इनर मेम्ब्रेन दोनों ही यूनिट मेम्ब्रेन है, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। मतलब ये किसकी बनी होगी, लिपोप्रोटीन की बनी होगी, जिसमें लिपिड बाई लेयर्स होगी। ठीक है, इस तरीके से तो ये दोनों सेम है। अब कुछ अलग भी है देखते हैं। आउटर मेम्ब्रेन यूनिफॉर्म होती है, मतलब उसमें कोई फोल्डिंग वगैरह नहीं होती, और आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स होते हैं, ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जो मेम्ब्रेन को और ज्यादा परमिएबल कर देते हैं। तो पोरिन्स प्रोटीन की वजह से आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा परमिएबल होती है। आउटर मेम्ब्रेन में
एंजाइम भी होते हैं, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में ज्यादा होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में थोड़े कम होते हैं, पर एंजाइम वहां पर होते जरूर है। ठीक है, अब आते हैं इनर मेम्ब्रेन पे। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? ये भी यूनिट मेम्ब्रेन होती है, इसमें पोरिन एब्सेंट होता है, इसलिए कैसे होते हैं, लेस परमिएबल होते हैं। और ये जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है प्रोटीन रिच होती है, और प्रोटीन रिच होने का कारण क्या है कि इसमें एंजाइम ज्यादा होते हैं। एंजाइम दोनों में होते हैं, आउटर में भी होते हैं इनर में भी, लेकिन इनर में आउटर के कंपेयर में ज्यादा होते हैं, और एंजाइम सारे प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, इसलिए ऐसा भी लिखा जाता है कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन रिच होती है। कोई तकलीफ नहीं आता। फिर आगे बढ़ते हैं, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो अपना सरफेस एरिया बढ़ा सके, इसीलिए इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग होती। ठीक है, ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं अंदर की तरफ, इन इन फोल्डिंग को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, एक सिंगुलर होता है क्रिस्टा और प्लूरल वर्ड क्या होगा, क्रिस्टी। और ये क्रिस्टी की प्रेजेंस की वजह से इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इनर मेम्ब्रेन की ये क्रिस्टी के ऊपर देखो आपको इस तरीके के कुछ ऐसे पिन हेड स्ट्रक्चर दिखते हैं, इन पिन हेड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम। और इन्हीं पिन हेड स्ट्रक्चर को F1 F0 पार्टिकल्स भी कहते हैं, इनको ATP सिंथेटेज भी कहते हैं, और यहां पर ATP प्रोडक्शन होगा। इनके बारे में भी अपन अलग से अभी देखेंगे। ठीक है, ये तो हुआ मेम्ब्रेन के बारे में। अब देखो इन मेम्ब्रेन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में अपनी बुक में लिखा हुआ है कि दो कंपार्टमेंट बनते हैं, एक कंपार्टमेंट इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का है। ये जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का कंपार्टमेंट या चैम्बर दिख रहा है उसे कहेंगे आउटर चैम्बर, और ये आउटर चैम्बर का है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इसलिए इसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कह सकते हैं, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कह सकते हैं, मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। ठीक है, यहां पर क्या होते हैं, H2O होता है और कुछ एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम आउटर मेम्ब्रेन पे भी होते हैं, इनर मेम्ब्रेन पे भी होते हैं, या आउटर चैम्बर में, और अभी अपन देखेंगे इनर चैम्बर में भी होंगे। और क्योंकि यह वॉटर है इसलिए ये चैम्बर कैसा है, एक्वस चैम्बर। ठीक है, इनर चैम्बर जो होता है उसके अंदर भी क्या होता है, वाटर तो होता है, लेकिन वो वाटर एक डेंस सब्सटेंस के फॉर्म में, होमोजेनस सब्सटेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये अंदर की तरफ जो रेड रेड डॉट से बनाया हुआ है, ये पूरा अंदर जो डेंस होमोजेनस सब्सटेंस है इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में भी क्या होता है, वाटर। यही वजह है अपनी बुक में लिखा हुआ है NCERT में कि दो चैम्बर बनते हैं, दोनों कैसे होते हैं, एक्वस चैम्बर। ठीक है, तो इनर चैम्बर के अंदर क्या होता है, डेंस होमोजेनस सब्सटेंस मैट्रिक्स होता है, और इस मैट्रिक्स के अंदर एक तो वाटर तो होता ही है, एंजाइम होते हैं, और क्या होता है, इसका खुद का डीएनए और खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। अब डीएनए जो होता है वो मतलब एक डीएनए होगा, ठीक है, सर्कुलर डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, और ये सारी खासियत कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक डीएनए जैसी। प्रोकैरियोट में ही एक सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो ये जो खासियत है ये किसके जैसी है, प्रोकैरियोटिक सेल के जैसी। इनके पास राइबोसोम भी होता है, लेकिन ये राइबोसोम 70S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में कैसा होता है, 80S टाइप का। तो ये खासियत राइबोसोम का 70S होना, ये भी कैसी है, प्रोकैरियोटिक जैसी है। इस दो पॉइंट को याद रखें, इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको आगे इंफॉर्मेशन बताऊंगा। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, लेकिन वो दोनों जो होता है किससे सिमिलरिटी शो करते हैं, प्रोकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, डायग्राम बना लीजिए, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आगे की स्लाइड में, वहां से नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको ऑक्सीसोम के बारे में अच्छे से डिटेल में समझाता हूं, और अपन माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, उनका ओरिजिन और उनका बायोसिंथेसिस और डिटेल में देखते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं ऑक्सीसोम के बारे में, जिसे एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, जिसे F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं, और उसे ATP सिंथेज भी कहते हैं। तो देखो ये होता कहां है, ये कहां होता है, इनर मेम्ब्रेन पे होता है। देखो ये अपनी आउटर मेम्ब्रेन, ये अपनी इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं, उसके ऊपर होते हैं। ठीक है, अपन ऐसे भी कह सकते हैं इनर मेम्ब्रेन पे, क्योंकि फोल्ड होते हैं तो किसके, इनर मेम्ब्रेन के ही है। तो ये कहां पर होते हैं, इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ऑक्सीसोम जो होते हैं इसके तीन एलिमेंट्री पार्टिकल के तीन पार्ट हो सकते हैं। एक वो हिस्सा जो मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है, ये बेस, या इसे F0 कहते हैं। ये ऊपर वाला राउंडेड पार्ट जिसे F1 पार्टिकल कहते हैं, और इन दोनों के बीच का स्टॉक कहलाता है। और ये पूरा जो है F1 F0 पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल और ऑक्सीसोम, और इसे ATP सिंथेज भी कहते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर क्या बनेगा, ATP बनेगी। और ATP कैसे बनेगी, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट पे एक फॉस्फोरस का ग्रुप जुड़ेगा और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा। ठीक है,
और यहां पर एनर्जी इस फॉर्म में क्या रहेगी, स्टोर रहेगी एटीपी के फॉर्म में। तो एनर्जी प्रोडक्शन और एटीपी फॉर्मेशन का काम कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और किस जगह पर होता है, इस जगह पर होता है। एक चीज और, जो अपने एटीपी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। और ये दो तरीके से हो सकता है, ऑक्सीडेशन से एटीपी बन सकती है, मतलब ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी जनरेट होगी फिर उससे एटीपी बन सकता है, और लाइट एनर्जी से एटीपी बन सकती है। तो ऑक्सीडेशन से जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और लाइट से एटीपी जो बनती है उसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कहां पर होता है, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी एक की रेस्पिरेशन में करेंगे और एक की करेंगे फोटोसिंथेसिस में। लेकिन ये टर्म याद रखना, फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी बनना, दो तरीके से होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब देखो फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के। तो अपनी बुक में लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में देखेंगे कि रेस्पिरेशन दो तरीके से हो सकता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो फोर स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रैब साइकिल और फिर ईटीएस। ये सारी चीजें यहां पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, अननेसेसरी टॉपिक को बड़ा नहीं करते। अपन रेस्पिरेशन का जो टॉपिक आएगा, प्लांट रेस्पिरेशन का, उसमें ये सारे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इन फोर स्टेप में से जो फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, वो साइटोप्लाज्म में होता है। बाकी की लिंक रिएक्शन, क्रैब साइकिल, ईटीएस, ये सब कहां पर चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में चलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है, यहां पर एटीपी प्रोडक्शन होता है और सेलुलर जो एनर्जी जो भी रिक्वायर्ड होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करवाते हैं। किस फॉर्म में प्रोवाइड करवाते हैं, एटीपी के फॉर्म में प्रोवाइड करवाते हैं। यही वजह है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। कोई तकलीफ नहीं। अगर आपको कोई पूछे क्रैब साइकिल कहां पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में लिंक रिएक्शन का होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीएस का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहां होता है, कैसे होता है, ये यहां पर डिस्कस ना करके अपन उस वाले चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे, अननेसेसरी इसको बड़ा नहीं करते। ठीक है, अब देखो आगे, नेक्स्ट है बायोजिनेसिस। बायोजिनेसिस मतलब नया माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनता है। तो देखो नया माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, पुराने माइटोकॉन्ड्रिया में अपने बाइनरी फ्यूजन हो जाएगा। जैसे बैक्टीरियम होता है ना, एक बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो जब नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की नीड होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद जो होता है वो क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन शो करता है, दो नए माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता है। ओरिजिन कैसे हुआ, सबसे पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना, तो उसके लिए एक थ्योरी है, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं, जिसको कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। इस थ्योरी के हिसाब से एक यूकैरियोटिक सेल ने किसी एरोबिक प्रोकैरियोटिक सेल को इंगल्फ कर लिया और फिर दोनों एक दूसरे के साथ में रहने लगे। प्रोकैरियोटिक सेल जो थी वो यूकैरियोटिक सेल के लिए एटीपी प्रोड्यूस करने लगी और यूकैरियोटिक सेल से वो अपनी बाकी की रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन वगैरह लेने लगी। इससे वो एक दूसरे के साथ में बिना एक दूसरे को हार्म किए हुए साथ साथ में रहने लगे, और इसको क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। और धीरे धीरे वो सेल उसके अंदर ही रह गई। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, अभी भी अपन ने देखा था, उसके बहुत सारे फीचर ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल जैसे होते हैं, 70S राइबोसोम का होना, जो डीएनए जो होता है वो सिंगल होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ये भी कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल जैसा। और यही वजह है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, दो नाम दिए जाते हैं जो मैंने यहां पर लिख दिए है, कहा गया सेल विद इन सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल इन यूकैरियोट भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और ये दोनों कहने का कारण क्या है, उसके ओरिजिन की जो थ्योरी मानी जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसे डेवलप हुआ होगा, किसी यूकैरियोटिक सेल ने प्रोकैरियोटिक सेल को इंगल्फ किया, टाइम के साथ वो प्रोकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया में मॉडिफाई हो गई और वो सेल के अंदर ही रहने लगी। ठीक है, तो बायोजिनेसिस मतलब अभी जो है नए माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनते हैं, पुराने माइटोकॉन्ड्रिया में बाइनरी फ्यूजन से बनते हैं। और फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आया था, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन कंसेप्ट से समझा जाता है। कोई तकलीफ नहीं इसमें, ये अपने इसके बारे में हो गया। एक और चीज, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहते हैं। अब सेमी ऑटोनोमस क्यों कहते हैं, देखो ऑटोनोमस का मतलब होता है कोई चीज अपने आप सब कुछ खुद कर सके तो उसे ऑटोनोमस कहेंगे, लेकिन ये सेमी ऑटोनोमस है, क्यों है इसको समझते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया अभी अपन ने देखा नया माइटोकॉन्ड्रिया बना सकती है बाइनरी फ्यूजन से, लेकिन इसके लिए जितने भी प्रोटीन रिक्वायर होते हैं उनमें से कुछ प्रोटीन ही ये खुद बना सकती है।
माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी प्रोटीन बनाने के लिए, उसके पास राइबोसोम भी होते हैं वो प्रोटीन बना सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही चीजें इतनी इन्फॉर्मेशन रखती है कि वो सारे प्रोटीन नहीं बना सकते, कुछ प्रोटीन बना सकते हैं। तो बाकी के प्रोटीन जो रिक्वायर्ड होंगे वो कहां से आएंगे, वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगी, आसपास की सराउंडिंग से लेगी, बोले तो साइटोप्लाज्म से लेगी, और साइटोप्लाज्म में कहां से आएंगे, न्यूक्लियस का जो डीएनए है वो भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड रखता है, तो वो प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के पास आएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की एबिलिटी रखता है, और उस नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए कुछ प्रोटीन वो खुद बना सकता है लेकिन सारे नहीं, कुछ के लिए वो न्यूक्लियस या सेल पे डिपेंड करता है, यही वजह है इसे क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम बट इट कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ फ्यू प्रोटीन टू मेक न्यू माइटोकॉन्ड्रियन, दे आर डिपेंडेंट ऑन द न्यूक्लियस फॉर रिमेनिंग प्रोटीन, बाकी के प्रोटीन के लिए न्यूक्लियस या सेल पे डिपेंड होता है, हेंस इट इज नॉन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। और एक पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूं, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक सेल इन यूकैरियोट्स भी कहते हैं। जो अगला सेल ऑर्गन है वो है अपना प्लास्टिड। क्या है प्लास्टिड? तो देखो प्लास्टिड जो होता है वो अपनी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि एक तो प्लांट सेल में होता है और एक यूग्लिनॉइड्स में होता है, लेकिन जब अपन ने प्रोटिस्टा किया था तो उसमें अपन ने देखा था डाई एटम्स और डाइनोफ्लेजिलेट्स में भी क्या होता है, प्लास्टिड होता है, ठीक है, पिगमेंट वगैरह थे ना वहां पे फोटोसिंथेटिक। तो प्लास्टिड जो होता है प्लांट सेल यूग्लिनॉइड्स में होता है, परहैप्स ये इस हिसाब से लिखा हुआ होगा कि पहले दो ही किंगडम होते थे, डाइनोफ्लेजिलेट्स और डाई एटम्स प्लांट सेल के साथ ही पढ़ाए जाते थे। तो अपनी बुक में लिखा हुआ है कि प्लांट सेल और यूग्लिनॉइड्स में क्या होते हैं प्लास्टिड, आप याद रखना, डाई एटम्स और डाइनोफ्लेजिलेट्स में भी होते हैं, ठीक है, इसके अलावा और कहीं नहीं होते। प्लास्टिड जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप के नीचे आराम से विजिबल होते हैं, कुछ खास स्टेनिंग की नीड नहीं होती, इसका कारण है इनकी साइज बहुत बड़ी होती है, और जनरली बहुत सारे प्लास्टिड, सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे प्लास्टिड कलरफुल भी होते हैं पहले से। अब उनमें कलरफुल होने का कारण है उसमें पिगमेंट का, तो पिगमेंट है नहीं है, उस पिगमेंट का फंक्शन क्या है, उसके बेसिस पे प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जिसमें पिगमेंट होते ही नहीं है, वो सिर्फ फूड स्टोर करने का काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। क्रोमोप्लास्ट जिसमें दूसरे पिगमेंट होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा टमाटर का रंग लाल होता है या फिर अपने मैंगो का कलर कैसा होता है, तो वो जो पिगमेंट है वो किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो प्लास्टिड के अंदर कौन सा पिगमेंट है इसके बेसिस पे प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। एक एक करके अपन तीनों को भी डिस्कस करेंगे और फिर डिटेल स्टडी करेंगे किसकी, क्लोरोप्लास्ट की, कोई तकलीफ नहीं, तो आप इसे एक बार अच्छे से नोट कीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे जो अपने प्लास्टिड के तीन टाइप है उनको देखते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोम का क्या मतलब होता है, कलर। तो ये जो प्लास्टिड होते हैं इनका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये जिस पार्ट में भी होंगे, प्लांट के जिस पार्ट में भी होंगे, उसे एक पर्टिकुलर कलर देंगे। तो पहला पॉइंट तो ये लेते हैं कि इनमें पिगमेंट है या नहीं है। तो इनमें पिगमेंट होता है, और इनमें जो पिगमेंट होता है वो कैसा पिगमेंट होता है, फैट सोल्यूबल पिगमेंट होता है, कौन सा, कैरोटीनॉइड्स, जिसमें दो तरह के पिगमेंट आते हैं, कैरोटीन और जेंटोफिल। ये नाम याद रखे आप अच्छे से, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है रेड ऑरेंज येलो कलर, जो भी आप कलरफुल चीजें देखते हैं, चाहे वो फ्लावर की देखते हैं या किसी फ्रूट की जो बार वाली लाइनिंग है वो देखते हैं, वो सारी किसकी वजह से होती है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। जैसे कुछ एडिशनल पॉइंट बताता हूं, ये कहां पर होते हैं, जैसे फ्रूट की जो सबसे बाहर वाली वॉल होती है उसे कहते हैं पेरिकार्प, तो उसमें होते हैं, यही वजह है कि फ्रूट जो होते हैं अलग अलग कलर के दिखते हैं। फ्लावर में जो पेटल्स जो होती है वो भी कलरफुल होती है, तो वो अलग अलग कलर की किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। रेड कलर ऑफ टमाटर, टमाटर का जो, टोमेटो का जो रेड कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से। जबकि कैरेट, गाजर का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, बीटा कैरोटीन की वजह से। अब ऐसे कलर होने से फायदा क्या है, तो देखो अगर पेटल्स में कलर है तो फ्लावर में कलर है, और कलरफुल फ्लावर होगा तो वो क्या करेगा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, और भी किसी ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट कर सकता है, और अट्रैक्ट होने से क्या होगा, उनके पॉलन ग्रेन को वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे, इसका मतलब पॉलिनेशन में हेल्प होगी, एक चीज। दूसरी, अगर फ्रूट जो है वो कलरफुल है तो वो किसी ना किसी को अट्रैक्ट करेंगे, फिर अपन वो फ्रूट लेंगे, खाएंगे, और खाने के बाद उसका सीड जो है कहीं फेंक देंगे, इसका मतलब सीड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे।
तो पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल में ये कलर क्या करता है, हेल्प करता है, जिस जिस ऑर्गेनिज्म से ही होगा उसको अट्रैक्ट करेगा। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, इनमें पिगमेंट होता है, कौन सा पिगमेंट होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है, कैरोटीनॉइड्स में कौन से पिगमेंट आते हैं, कैरोटीन और जेंटोफिल आते हैं, ये कैसे पिगमेंट है, फैट सोल्यूबल पिगमेंट है, कैसा कलर दे सकते हैं, जो भी कलर होते हैं वो सारे दे सकते हैं, अपनी बुक में दे रखा है रेड ऑरेंज येलो, ठीक है। और ये दो तीन नाम भी याद रखना चाहे तो रख सकते हैं कि टोमेटो का रेड कलर किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से, कैरेट का रेड कलर किसकी वजह से होता है, बीटा कैरोटीन की वजह से, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड होते हैं जिनमें पिगमेंट होते ही नहीं है। तो तीन तरह के प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसमें से ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होता है। कैसे होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होता है। ये जो होते हैं ये फिर क्या यूज होगा इनका, ये फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं। अब इनमें कौन सा फूड स्टोर है इसके बेसिस पर ये खुद तीन तरह के होते हैं। पहला है एमाइलोप्लास्ट, जो क्या करते हैं, स्टोर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, और जनरली ये कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अपनी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि पोटेटो जो होता है उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, और उसमें क्या होते हैं, एमाइलोप्लास्ट होते हैं। तो एमाइलोप्लास्ट क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च स्टोरेज का काम करता है। दूसरा है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटीन स्टोर करने का काम करता है। तीसरा होता है एलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट जो होता है वो क्या करता है, ऑयल स्टोर करता है या फैट स्टोर करने का काम करता है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट चढ़ते हैं अपन क्लोरोप्लास्ट पे। देखो क्लोरोप्लास्ट जो है वो बेसिकली उसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, तो प्राइमरली तो क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। बचपन से तो अपन यही पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। लेकिन इसमें कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं, कैरोटीनॉइड्स बोले तो ये कैरोटीन और जेंटोफिल भी होते हैं। हालांकि नंबर किन के ज्यादा होते हैं, क्लोरोफिल के, इसलिए जनरली कलर किन का आता है, क्लोरोफिल का आता है और ग्रीन कलर हो जाता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स दोनों होते हैं, ठीक है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, और इनका फंक्शन क्या है, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, और ट्रैप कर पाएंगे तो फिर क्या करवा पाएंगे, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जो प्लास्टिड काम आता है आप सब जानते हैं वो कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और साथ ही में ये कैसा कलर प्रोवाइड करवाते हैं, ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाते हैं। मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन मीजोफिल सेल। अपनी बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि लीव्स में, जनरली प्लांट में देखा होगा आपने, लीव्स जो होते हैं वो कैसे कलर की होती है, ग्रीन, और उनमें भी, उनके अंदर भी देखे तो कहां पर होता है, मीजोफिल सेल। जिनमें से आपको नहीं पता मीजोफिल सेल क्या होता है, जब लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे ऊपर एक एपिडर्मिस होती है जिसे अपर एपिडर्मिस कहते हैं, और सबसे नीचे भी एक लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं, लोअर एपिडर्मिस, और इनके बीच का जो टिश्यू होता है वो क्या कहलाता है, मीजोफिल टिश्यू। तो मीजोफिल टिश्यू की सेल में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, और उस वजह से मीजोफिल कैसे होगी, ग्रीन, और उसकी वजह से लीफ भी कैसी होगी, ग्रीन होगी। अब जहां तक नंबर की बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे इनके भी नंबर वेरी करते हैं, 1 से लेकर 20 to 40 तक हो सकते हैं। अपने बुक में दो डेटा दे रखे हैं, एक तो आपको ये याद रखना है ऐसी कौन सी सेल है जिसमें सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्या एग्जांपल दे रखा है, क्ले माइटोमोनास, जो कि एक तरह की ग्रीन एल्गी है। इसमें हर सेल में, वैसे क्ले माइटोमोनास एक सेल का ही होता है, उसमें एक सेल में क्या होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। बाकी जनरली ऑन एवरेज मीजोफिल सेल में, अपनी बुक का डेटा है कि 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब एक सेल में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होंगे, कोई तकलीफ नहीं। अब शेप की बात करें तो ठीक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसका शेप भी वेरी करता है, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल शेप का हो सकता है, लेंस शेप का हो सकता है, डिस्कॉइड हो सकता है, रिबन शेप का हो सकता है, ठीक है। साइज की बात करें तो साइज जो होती है, विड्थ दे रखी है 2 to 4 माइक्रोमीटर और लेंथ दे रखी है 5 to 10 माइक्रोमीटर। ये अपने तीनों प्लास्टिड के बारे में था, कौन कौन से प्लास्टिड थे। पहला था क्रोमोप्लास्ट, जिसमें पिगमेंट होते हैं, वो प्लांट के किसी पर्टिकुलर पार्ट में क्या देते हैं, कलर देते हैं। जनरली वो पार्ट कौन से होते हैं, पेटल फ्लावर में, और फ्रूट की जो पेरिकार्प होती है वो, और ये जो होते हैं पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं। दूसरा होता है लिकोप्लास्ट, जो कि कैसे है, कलरलेस प्लास्टिड जिसमें पिगमेंट होते ही नहीं है। ये तीन तरह के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। ये क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है, एल्योप्लास्ट जो होता है वो ऑयल स्टोर करता है। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं।
अब अपन देखेंगे स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर अपन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो एग्जाम में आपके प्लास्टिड का स्ट्रक्चर पूछे या क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पूछे, एक ही बात है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड या स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, साथ में उसके फंक्शन, ओरिजन और बायोसिंथेसिस के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट या स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड के बारे में। तो जो सबसे पहली चीज है वो है कि प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट कैसा है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी था। इसकी भी दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों नेचर में कैसी होती है, यूनिट मेम्ब्रेन जैसी होती है। मतलब किसकी बनी होगी, लिपोप्रोटीन की बनी होगी, लिपिड की क्या होगी, बाइलेयर होगी, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे कि जैसे पोरिंस होते हैं और पोरिंस की वजह से ज्यादा परमिएबल होती है, और इनर मेम्ब्रेन में पोरिंस नहीं होते तो वो कम परमिएबल होती है, कोई तकलीफ नहीं। इसके बाद इनके अंदर अंदर की तरफ एक जेल लाइक मटेरियल होता है जिसे अपन यहां स्ट्रोमा कहते हैं। वहां पर क्या नाम दिया था डेंस सब्सटेंस को, मैट्रिक्स दिया था। यहां पर अंदर वाले जेल लाइक सब्सटेंस को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, फिर आगे बढ़ते। अब इस स्ट्रोमा में देखो ऐसे फ्लैटेड मेम्ब्रेन सैक लाइक, जैसे कॉइन होते हैं पतले पतले से, वैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे एक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड कहते हैं। अब थाइलेकॉइड कैसा होता है इसको अभी समझते हैं, पहले अपन आगे देखते हैं। एक स्ट्रक्चर थाइलेकॉइड कहलाता है। ये थाइलेकॉइड का पूरा स्टैक, मतलब एक के ऊपर एक थाइलेकॉइड बनने से ये पूरा जो है, इस स्टैक को कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं, ग्रेनम। और एक क्लोरोप्लास्ट के सारे ग्रेनम एक साथ क्या कहलाएंगे, ग्रेना कहलाएंगे। तो थाइलेकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन, उसे अपन कहेंगे ग्रेनम, और सारे एक साथ क्या कहलाएंगे, ग्रेना कहलाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रोमा में कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैटेड मेम्ब्रेन सैक के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड कहते हैं। थाइलेकॉइड 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 करके एक स्टैक बनता है, उसे ग्रेनम कहेंगे, और सारे ग्रेनम एक साथ क्या कहलाएंगे, ग्रेना। अब आते हैं अपन थाइलेकॉइड के बारे में। अगर थाइलेकॉइड का स्ट्रक्चर जूम करके देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे बाहर उसकी मेम्ब्रेन होगी, और अंदर की तरफ जो कैविटी होती है उसको क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। इसकी मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, और ये पिगमेंट ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्वांटासोम। तो अगर आपको पूछे कि क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड में पिगमेंट होते कहां पर है, तो पिगमेंट कहां होते हैं, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, ठीक है। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर पिगमेंट होते हैं, उनका ग्रुप होता है जिसे क्या कहते हैं, क्वांटासोम। अब इन क्वांटासोम के बारे में और ये पिगमेंट कैसे हैं, किस तरीके से बिहेव करेंगे, ये सब अपन करेंगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे जो क्रिस्टी होती है उसके ऊपर पिन हेडेड स्ट्रक्चर होता है, जिसे अपन ने F0F1 पार्टिकल कहा था। ठीक वैसे वैसे पार्टिकल यहां पर भी होते हैं थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे, दिख रहा है, मिल रहा है। यहां पर इसको कहते हैं CF0CF1, सी क्लोरोप्लास्ट के लिए, तो CF0CF1 पार्टिकल्स कहते हैं। और ये भी वही काम करते हैं जो वहां पर किया था, वहां पर क्या बनी थी, एटीपी बनी थी। यहां पर भी क्या होगी, यहां पर एटीपी बनेंगे, बस फर्क इतना है कि वहां एटीपी बन रही थी ऑक्सीडेशन से, इसलिए वहां पर जो फास्फोराइलेशन था वो क्या था, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, और ये कैसा है, फोटो फास्फोराइलेशन, कोई तकलीफ नहीं। और स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा में इसका खुद का राइबोसोम और खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल सिंगल डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और ये नेचर कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल जैसा है। राइबोसोम होते हैं इसमें, और राइबोसोम भी कैसे होते हैं, 70S, वो भी कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक नेचर। तो ये अपने किसके बारे में था, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में था। आगे बढ़ते देखो, स्ट्रोमा जो होते हैं उसमें कुछ एंजाइम भी होते हैं, और ये एंजाइम जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस से रिलेटेड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करते हैं, बोले तो पहले ग्लूकोज बनाते हैं, और आप सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। अब फोटोसिंथेसिस को जब आप डिस्क्राइब करेंगे, अपन जब स्टडी करेंगे तो पता चलेगा उसमें अलग अलग साइकिल चलते हैं। वैसे ही एक साइकिल का नाम है केल्विन साइकिल, तो केल्विन साइकिल कहां चलता है, स्ट्रोमा में। देखो आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, वैसे फोटोसिंथेसिस में अपन अच्छे से करेंगे। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो दो स्टेप में होता है, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो होती है जो लाइट डिपेंडेंट होती है, और उसके लिए लाइट होनी ही चाहिए। डार्क रिएक्शन वो होती है जो लाइट की प्रेजेंस एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होती है उसमें लाइट को ट्रैप किया जाता है,
और उसे एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है, बोले तो फोटोफॉस्फोराइलेशन किया जाता है, और ये कहां पर हो रहा है, थाइलेकोइड में हो रहा है, कहां पर हो रहा है, थाइलेकोइड में हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं। और डार्क रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है कि जो लाइट रिएक्शन में जो एटीपी बनी थी उसको यूटिलाइज किया जाएगा, और CO2 जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, आप सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस होता है, उसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड करके ग्लूकोज बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं अपन डार्क रिएक्शन कहते हैं, CO2 फिक्सेशन कहते हैं। तो वो होता है स्ट्रोमा में, लाइट रिएक्शन का होती है थाइलेकोइड में, ओवरऑल फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं। एक चीज और, ये जो ग्रेना जो है, ये जो है ये आपस में देखो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए, इन स्ट्रक्चर को कहते हैं स्ट्रोमा लेमेली, इन्हें फ्रेट चैनल्स या स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये भी लाइट रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सब अपने किसका स्ट्रक्चर था, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था। इसके बारे में डायग्राम वाइग्राम आप यहां से बना लें, इसका डिस्क्रिप्शन आगे की स्लाइड में, तो आप बाद में वहां से नोट कर लेना, बाकी का डिस्क्रिप्शन यहीं से नोट करना, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर जो है वो आगे से नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का, तो आप समझ ही चुके हैं क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है लाइट की प्रेजेंट में, CO2 और वाटर से क्या करेगा, फूड बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ठीक है। बायोजेनेसिस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही इसका बायोजेनेसिस भी किससे होता है, बाइनरी फ्यूजन से होता है, जो पहले से प्लास्टिड एग्जिस्ट करते हैं उनमें क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा और नए प्लास्टिड बन जाएंगे। ओरिजन, ओरिजन की थ्योरी भी वही थ्योरी है जो माइटोकॉन्ड्रिया में थी, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजन होता है, यहां पर बस फर्क इतना है कि जो यूकैरियोटिक सेल थी उसने कोई बीजीए लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक किसी सेल को इंगल्फ किया था, क्योंकि उसके पास क्या थी, फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी थी, तो उसको इंगल्फ किया, धीरे धीरे वो अंदर की प्रोकैरियोटिक सेल किसमें मॉडिफाई हो गई, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई, और एक दूसरे को हेल्प करने लगी, वो फोटोसिंथेसिस करती थी, बदले में वो रिक्वायर्ड प्रोटीन न्यूट्रिशन लेने लगी, ठीक है। प्लास्टिड को भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहते हैं, अगर कारण पूछे एग्जाम में कि प्लास्टिड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन क्यों कहलाता है, तो वही थ्योरी लिखनी है जो माइटोकॉन्ड्रिया में लिखी थी, क्या लिखेंगे कि प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन वो सारे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकते जो नए प्लास्टिड के बनने के लिए जरूरी होते हैं, तो कुछ वो खुद बनाएंगे और कुछ के लिए वो किस पे डिपेंड करेंगे, सेल या न्यूक्लियस पे डिपेंड करेंगे, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहते हैं। इसे भी सेल विद इन सेल कह सकते हैं, इसे भी प्रोकैरियोटिक सेल इन यूकैरियोट्स कह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। एक क्वेश्चन है, दो ध्यान से सुनना, अगर आपको पूछे सेल के अंदर मैक्सिमम एंजाइम कहां पाए जाते हैं, तो आंसर लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि मैक्सिमम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहां पर पाए जाते हैं, तो लाइसोसोम में, क्योंकि लाइसोसोम में भी काफी एंजाइम होता है और वो कैसे होते हैं, हाइड्रोलाइटिक, लेकिन ओवरऑल एंजाइम पूछे तो कहां होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, कोई तकलीफ नहीं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसी के साथ अपने आज का वीडियो पूरा होता है, और क्लोरोप्लास्ट का डिस्क्रिप्शन आगे की स्लाइड से नोट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें अपन रिमेनिंग सेल ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे, दो वीडियो और आएंगे लगभग, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।